सब्सक्राइब करिए चित्रा क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उपाधि बन गई है। हमारे प्राचीन भारत में विक्रमादित्य कहने का अर्थ कुछ और होने लगता था और ये अधिकतर हमारे यशस्वी सम्राटों चक्रवर्ती राजाओं के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जाता था या उनकी उपाधियों को वे धारण करते थे जो बहुत ही ज़्यादा सुविख्यात हो जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं सुप्रकाश आपके अपने YouTube चैनल चित्रा क्लासेस में फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि विक्रमादित्य क्या नाम है कि यह एक उपाधि भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को अंतिम तक देखना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना होगा ताकि आपको आगे भी हमारे वीडियो इजी वे में मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विक्रमादित्य एक उपाधि, मैंने एक शीर्षक रखा है कि क्या विक्रमादित्य उपाधि मात्र है कि नाम भी है। तो देखिए, पहले तो हम इस विक्रमादित्य के नाम का एक क्या कहते हैं अर्थ निकालेंगे, एक शब्द बनाते हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ा जाए तो ये विक्रम धन आदित्य हो जाएगा, विक्रम प्लस आदित्य। आपको पता है आदित्य मतलब होता है सूर्य और विक्रम मतलब होता है वैभव पराक्रम, वैभव या मैं कहूँ पराक्रम या प्रसिद्धि या कुछ भी कह सकते हैं, बहादुरी या जैसा भी हो। अर्थात सूर्य जैसा वैभव, सूर्य जैसा पराक्रम, सूर्य एक अकेला पूरे संसार को रोशनी प्रदान करता है, उस प्रकार से रोशनी या पराक्रम फैलाने वाले ये हमारे यशस्वी राजा या फिर सम्राट। आइए अब बात करते हैं। देखिए, ऐसे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम के एक परमार वंशीय राजा हुआ करते थे उज्जैन में, जिन्होंने 57 BC में विक्रम संवत को चलाया और उनके यहाँ एक न्याय की कुर्सी भी हुआ करती थी। मैं इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, आइए उस वीडियो से संबंधित थोड़ी सी बातें और आपको बता दूँ। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रमादित्य जो परमार वंश के राजा थे, उनके पास एक कुर्सी हुआ करती थी 32 पुतलियों वाली। वो 32 पुतलियाँ बोलती थीं, फ्यूचर में मतलब भविष्य में वो कुर्सी सिंहासन कह सकते हैं आप उसको, सिंहासन कहीं खो गया होता है जिसको परमार वंश के आने वाले समय के राजा, जिनका नाम था राजा भोज, उन्होंने इसे खोजा और उस कुर्सी पर बैठना चाहा, लेकिन वो 32 पुतलियाँ बोल सकती थीं। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया राजा को बैठने से कि अगर आप बैठेंगे तो आपको 32 कहानियों का अर्थ बताना होगा और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे जो हमारे विक्रमादित्य राजा से मिलते थे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप इस कुर्सी पर, इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। 32 पुतलियों ने 32 प्रकार के प्रश्न किए और 32 बार राजा भोज उसका सही उत्तर नहीं बता पाए। अंत में पुतलियों ने राजा को देख करके उनके धैर्य और ढाढ़स को सराहा और कहा कि आपको हे राजन, हम इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति देते हैं। राजा भोज के बारे में मैं आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो बता देना चाहता हूं। राजा भोज परमार वंश के राजा थे जिनकी राजधानी धार थी और उन्होंने धार में एक भोजशाला का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इनके दरबार में 500 से भी अधिक विद्वान रहा करते थे।
जिनको रहने खाने पीने की व्यवस्था इसी भोजशाला से पूरा किया जाता था। और धार में उन्होंने एक सरस्वती जी का एक मंदिर भी बनवाया और कई महत्वपूर्ण नगरों का उन्होंने स्थापना किया, जिसमें विदिशा या मैं बात करूं धार की, इन लोग का नाम आता है। और महत्वपूर्ण तो सबसे ये बात है कि हिंदू धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन का महाकालेश्वर, जी हाँ, जहाँ पे कहते हैं कि जिसके प्रांगण में आने से काल भी रुक जाता हो, तो उस महाकालेश्वर अर्थात शिव जी के मंदिर का निर्माण भी भोज के द्वारा ही हुआ है उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर, यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है अपनी महिमा मंडन के लिए। आगे उन्होंने एक भोज नाम के झील को बसाया और उसी झील के किनारे एक शहर भी बसाया जिसे भोजपाल कहा गया, जी हाँ भोजपाल, और यही भोजपाल आगे चल के भोपाल बन गया। आज भी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आइए और थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में। राजा भोज ने जो सरस्वती जी का मंदिर धार में बनाया था, उस मंदिर को आगे चल कर के मुगल शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया और आज भी वहाँ पे मस्जिद विद्यमान है। और कहा जाता है एक मान्यता के अनुसार कि पूरे 365 दिनों में अर्थात एक वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, सरस्वती पूजा का दिन होता है, जिस दिन माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं उस दिन यह मंदिर खोल दिया जाता है और बाकी दिन यह मंदिर को बंद रखा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। ये सभी निर्माण करने वाले हमारे परमार वंश के राजा राजा भोज जी हैं। तो आइए हम अब आगे चलते हैं विक्रमादित्य के नाम पर। विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा यह नाम तो अपनाया गया, लेकिन आगे चल कर के यह विक्रमादित्य एक उपाधि में बदल गया। आगे चल कर के भारत में कम से कम 14 से 16 राजाओं ने इस उपाधि को अपनाया है। उनकी पूरी लिस्ट है, हमें पूरे लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हम मोटी मोटा उन राजाओं के बारे में ध्यान देंगे जिन राजाओं पे यह क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो पहले राजा मिल गए सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे अगर मैं बात करूँ दूसरे राजा की, तो उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के राजा, मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो मेरे एक वीडियो को आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। द्वितीय हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, प्रथम थे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे आपको याद होगा कि जब अकबर ने द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ा था, जी हाँ पानीपत के मैदान में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, तब उस समय भारत की बागडोर एक राजा, हिंदू राजा के हाथ में थी कुछ दिन के लिए, और उनका नाम था हेमचंद्र उर्फ हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जी हाँ। तो उनसे पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, और जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया और उनकी हत्या कर दी और गद्दी पुनः अकबर के हाथों में चली गई। तो मेरे कहने का मतलब अर्थ यहाँ पे है कि अंतिम वो राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, उनका नाम था दिल्ली के राजा, अंतिम राजा, हिंदू राजा, जिनका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू विक्रमादित्य या हेमू। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको विक्रमादित्य से जुड़ी हुई उपाधियों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान हो गया होगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों और दोस्तों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको पहुँचाइए और शेयर करिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे बातों का पता चल सके। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यह चैनल आपके कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए बना है, तो आपके कन्फ्यूजनों को यह दूर कर दे। इसी के साथ मैं सूर्यप्रकाश आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।